हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल। यार बहुत टाइम से एक वीडियो की डिमांड आ रही थी, बहुत टाइम से, बट सॉरी वो लेट हो गई वीडियो, जो कि है कि यार अगर किसी बच्चे के पास न्यू एडिशन नहीं है TS ग्रेवल का, जो हमारा क्लास 12th में TS ग्रेवल मोस्टली फॉलो की जाती है बच्चों के द्वारा, बच्चों से जो मैंने वीडियो डाली थी वो मैंने डाली थी एडिशन 2020 के, मतलब जो रीसेंट एडिशन है 2020 एडिशन, उसके अंदर कौन कौन सी इलस्ट्रेशन रिलेटेड है, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है, वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। लेकिन वहीं पे बच्चे काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास सर 2019 का जो बुक सेट है वो 2019 का है, मतलब उन्होंने सेकंड हैंड बुक ली होंगी 2019 वाली, क्योंकि लॉकडाउन था, जनरली सी बात है बच्चे पुरानी बुक ले ली, लोग मार्केट में नहीं गए, अपने आसपास फ्रेंड्स से लोगों ने बुक अरेंज कर ली 2019 की, ठीक है। और तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे वीडियो डालो कि कौन कौन से इलस्ट्रेशन डिलीटेड है, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है। तो मैंने बड़ी ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करी, मैंने उन लोगों बच्चों को बोला कि यार बच्चे वेट करो, क्योंकि यार लॉकडाउन है, ऑब्वियसली बात है लॉकडाउन क्या है, अनलॉक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि पेरेंट्स नहीं भेजते बच्चों को इजीली। तो पहले तो मैंने ये पता लगाया कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनमें से कौन किस बच्चे के पास 2019 वाली बुक है, और फिर उससे बुक मंगाई, वो 2-3 दिन बाद आई, और फिर उसमें से छाटे कौन कौन से इलस्ट्रेशन है, कौन कौन सी क्वेश्चन है जो कि डिलीटेड हो चुके हैं। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन सी इलस्ट्रेशन डिलीटेड है इन TS ग्रेवल, इन TS ग्रेवल एडिशन 2019, दोबारा बोल रहा हूँ, TS ग्रेवल एडिशन 2019 में कौन कौन सी इलस्ट्रेशन डिलीटेड है वो देखते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, स्टार्टिंग के चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, प्लीज़ कम एक बार सीधा आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ बुक लो, पेन लो और शुरू हो जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 5 में इलस्ट्रेशन नंबर 55 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 64 तक डिलीटेड है, बिकॉज वहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बिकॉज वहाँ पे क्या है बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 55 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 64 तक डिलीटेड है, सो आप उसको डिलीट कर दो, मत पढ़ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चंस की बात करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वो 86 से लेकर 102 तक डिलीटेड है, 86 क्वेश्चन से लेकर 102 क्वेश्चन तक डिलीटेड है, बिकॉज वहाँ पे भी पार्टनर एडजस्टमेंट की बात की गई, और पार्टनर एडजस्टमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर इस साल के लिए हमारा कट चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। देखो अब मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो वो है रिटायरमेंट एंड डेथ। लेकिन जिन बच्चों के पास एडिशन 2020 है उसके अंदर डेथ अलग है और रिटायरमेंट अलग है। रिटायरमेंट है चैप्टर नंबर 6 और डेथ है चैप्टर नंबर 7, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आप बस अपनी बुक पे ध्यान दो, जो बुक आपके पास है 2019 वाली बुक ही होगी, क्योंकि जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू मस्ट हैव 2019 एडिशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ है, और रिटायरमेंट और डेथ बोथ है तो फिर उसमें सबसे पहली चीज़ जो कट चुकी है डेट इज़ लोन अकाउंट। जो लोन अकाउंट होता था, राम लोन अकाउंट, गोपी लोन अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट है वो कट चुके हैं, तो लोन अकाउंट की इलस्ट्रेशन है बेटा 31 से लेकर 35, इलस्ट्रेशन डिलीट हो चुकी है बिकॉज लोन अकाउंट इज डिलीटेड फ्रॉम आवर कोर्स, ठीक है। नाउ बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 37 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इलस्ट्रेशन नंबर 37 बहुत बड़ी है, छोटी सी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 37 के अंदर जब आप एंड में देखोगे तो उसके अंदर गोपीज लोन अकाउंट बना होगा, एक क्या बना होगा सॉल्यूशन के अंदर गोपीज लोन अकाउंट बना होगा, उसको काट दो बस, और बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोगों के कोर्स में है, आप लोगों के कोर्स में है, गोपीज लोन अकाउंट को छोड़कर सब कुछ कोर्स में है उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41 से लेकर 50 तक डिलीटेड हो चुकी है, बिकॉज वो है एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट, तो वो भी डिलीट हो गया। सो इलस्ट्रेशन नंबर 41 से लेकर 50 तक ऑल डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेथ की, तो डेथ का बहुत छोटा सा पार्ट ही हमारे कोर्स में रह गया, बाकी सारा पार्ट डिलीट हो चुका है, जैसे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट डिलीट हो गया है, लोन अकाउंट डिलीट हो गया है। अब मेरी बात सुन लो, इलस्ट्रेशन नंबर 57 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 65 तक ऑल डिलीटेड, दोबारा बोल रहा हूँ 57 से लेकर 65 तक ऑल डिलीटेड, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के जो हमारे अनसोल्व क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम 43 टू, टी ओ वाले टू है,
53, मतलब 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ऑल आर डिलीटेड. ये सारे क्या हो चुके हैं? डिलीट हो चुके हैं, तो काट दो उनको. उसके बाद हम बात करते हैं इसी चैप्टर की, तो आगे आता है डेथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कट चुकी हैं, वो है 65 से लेकर 83. ये पूरा पूरा चैप्टर सिक्स ही चल रहा है बेटा, ध्यान रखना चैप्टर सिक्स की ही बात चल रही है. क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक डिलीट हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक क्या हो चुके हैं? डिलीट हो चुके हैं. नाउ बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक की, जो कि है हमारी कंपनी वाली बुक. जो कंपनी वाली बुक है उसमें है चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 पूरा डिलीट हो चुका है. चैप्टर नंबर 10 पूरा डिलीट हो चुका है, कुछ भी उसमें नहीं बचा. दो ही, पहले ना चार मेथड आते थे, फिर उन्होंने दो साल से दो मेथड कर दिए और इस साल दो मेथड वो भी डिलीट कर दिए. तो इसका मतलब आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 पूरा डिलीट है. लेकिन एक बात सुन लो, चैप्टर नंबर 10 में ना स्टार्टिंग में थ्योरी है. हो सकता है उन्होंने थ्योरी के बारे में कोई कमेंट नहीं करा कि वो डिलीट है या नहीं है. तो मेरा एडवाइस, अगर मानो मेरी एडवाइस छोटी सी, तो आप स्टार्टिंग के 6 पेज, स्टार्टिंग के 6 पेज चैप्टर नंबर 10 के बस रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, और बाकी आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है. मतलब प्रैक्टिकल पार्ट कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्होंने थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि डिलीट हुई है कि नहीं हुई. तो 1% हो सकता है CBSE वाली चालूपंथी कर दें और कोई एक आधा नंबर का आपका कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन दे दें वहाँ पे, ठीक है. तो जस्ट रीड स्टार्टिंग पेज नंबर, मतलब 10.1 पेज नंबर, 10.2 पेज नंबर, 10.3 पेज नंबर, 10.4 पेज नंबर, 10.5 पेज नंबर और 10.6 का आधा, जहां पे लिखा होगा ना मेथड ऑफ रिडम्पशन, उससे ऊपर, मतलब इतना सा ही पार्ट है, बस इतना सा ही छोटा सा स्टार्टिंग वाला, वो 10.6 पेज नंबर तक आप एक बार रीड कर लेना. और बाकी जितना कोर्स बच गया वो सारा आपका आ रहा है, जो तीनों बुक में बच गया, चाहे वो NPO हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो हमारा जो हमारी तीसरी बुक है फाइनेंशियल वाली, कैश फ्लो रेशो एनालिसिस, मतलब सब कुछ वो आ रहा है. बस जो डिलेटेड था मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया. वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है, बिकॉज आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाए और आप नेक्स्ट वीडियो देखो जिसके अंदर कुछ लर्निंग हो यार, ठीक है ना. तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो मेरे यूट्यूब चैनल पे, डैडी स्ट्रेस ट्यूटोरियल्स. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है. और हाँ, जो बच्चे थैंक यू बोल देना, थैंक यू से अच्छा तो एक काम करना, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को बता देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा. वहाँ पे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो. यार क्या होता है कि यूट्यूब पे कमेंट्स जब आती हैं तो लोगों को हेजिटेशन होती है कि यार कमेंट डालूंगा, पब्लिकली कमेंट जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा, ये है वो है. सो काफ़ी सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे DM करते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व करता हूँ, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो. जो मेरे सब्जेक्ट है वो तो मैं लूँगा ही लूँगा. और हो सकता है कि कभी कभार जैसे कि बिजनेस स्टडी की कोई डाउट आ गया कि कैसे पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, तो इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा गाइड कर देता हूँ जितना मैं समझा सकता हूँ, बिकॉज ये सब्जेक्ट मैंने तो पढ़े. हाँ, हाल फिलहाल मैं उनको पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, और इतना ऑलराउंडर मैं हूँ भी नहीं, ठीक है. सो मैं जो टैकल करता हूँ 12th के सब्जेक्ट, वो है अकाउंटेंसी, इको एंड मैथमेटिक्स. इसमें कोई सा भी डाउट हो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कमेंट करो, सॉरी कमेंट कह रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट मैसेज. मैं वहाँ पे ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ, कुछ ही टाइम ऐसा होता है कि मैं एक्टिव नहीं रहता, और आपके आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, आपके मैसेज का रिप्लाई मैं पक्का करूँगा. ओके, चलो फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ. और अगर आपको कोई और डाउट हो, 12th से एजुकेशनली कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका भी सोल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ. बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर.